और इस वक्त दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चल रहे हैं। इस सफर ने प्रदेश के अंदर इस कम समय में जो नायक जनता पार्टी को जहां एस्टैब्लिश करा, वही प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रीजनल दल बनकर 15% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 10 MLA को लेकर जननायक जनता पार्टी को इस छोटे से समय में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाने का काम किया। आज विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल की बैठक के अंदर रामकुमार गौतम जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसको रामकरण काड़ा जी ने और रामनिवास जी ने सेकंड किया। विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे उपनेता के तौर पर चौधरी ईश्वर सिंह जी को और पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर अमरजीत डांडा जी को चुनने का काम किया। उसके बाद ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास हम लेकर गए, उन्होंने भी इसको अप्रूवल दी और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आग्रह किया कि फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्रदेश के अंदर कैसे आगे चला जाए, किस विषय को लेकर प्रदेश के अंदर आगामी कदम उठाया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तौर पर अधिकृत है कदम उठाने के। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, पीछे हो जाओ, कई साथियों ने जहां बात करी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई जाए। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला, उस परिस्थिति में अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। आज आप लोग बारी बारी कयास लगाते हैं किससे मुलाकात हुई, क्या कदम उठाए गए, औपचारिक तौर पर चर्चाएं जरूर हुई, अगर मुलाकात किसी से होगी कोई कदम बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को हम उसके बारे में पूरी तौर पर बताने का काम करेंगे। हम पॉजिटिव हैं हरियाणा को आगे ले जाने के, हम पॉजिटिव हैं प्रदेश के अंदर युवा को उसके अधिकार मिले, जो क्राइम की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हमारे एजेंडास थे, जो भी संगठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन पे साथ चलने को तैयार होगा, जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करे। मैं तो दोबारा क्लियरली आपको एक चीज बता दूं, 10 के 10 विधायकों ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करने का काम करके। लेकिन दुष्यंत जी, अभी ये सरकार बनाने जा रही है, उनके पास तमाम निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र है, देखिए वो उनके संगठन का निर्णय होगा, हमारी ओर से क्योंकि सभी विधायकों की सलाह लेना बहुत जरूरी है,
आज कई ऐसे साथी है, देवेंद्र बबली जी तो 52,000 से जीत के आए, आज रामकरण काड़ा 38,000 से जीत कर आए, तमाम ऐसे साथी है जिनने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। आप एक और पर देखेंगे, कांग्रेस के दिग्गजों को भी हराया है हमारे कैंडिडेट्स ने, तो बीजेपी के दिग्गज भी वहां हारे। मगर आज प्रदेश क्या चाहता है, प्रदेश के अंदर युवा, क्योंकि हमारी वोटिंग पॉपुलेशन का भी 56% वोटर युवा था, और कहीं ना कहीं ये जो 15% वोट मिले, मैं मानता हूं अधिकतम युवाओं की ताकत हमें मिली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जब हमने एनालाइज किया, तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि 75% रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की जो भी लाने का काम करेगा प्राथमिक तौर पर। दुष्यंत, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ क्लियर आंसर फ्रॉम यू वेदर यू गोना फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी और यू गोना फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस? वी विल टॉक, बिकॉज टिल नाउ वी हैव नॉट स्पोकन टू एनीबडी ऑन दिस इश्यू, बिकॉज द नेशनल एग्जीक्यूटिव वॉज नॉट क्लियर ऑन द एजेंडा, बट नाउ वी हैव बीन ऑथराइज, वी विल टॉक टू द पीपल कंसर्न एंड लेट्स सी, होपफुली इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज यू विल हैव अ पॉजिटिव मैसेज। आपने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा? जनता के साथ सवाल पूछा कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जी, तो क्या हमने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा? नहीं, हरियाणा के हित के, ये आपके वोटरों का कहना है। आज चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर हमारे सहयोग से कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है या गवर्नमेंट में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती, मैं ये मानता हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करने का काम किया है, हम त्याग कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज से इनकार हो। पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को लेकर एक एक जननायक जनता पार्टी का तो हिस्सा मिश्री कांडा है, मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पे टिप्पणी करने का तो उचित नहीं बनता। सर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए, अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी अदर सीटों पे हम बात करें ऑलरेडी जा चुके, मैं बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं। साथ में सरकार बनाने का मतलब क्या, कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, हमारे सारे साथियों ने यही निर्णय लिया है कि प्रदेश के हित के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी उसमें अगर कोई हमारा सहयोगी बनेगा और हमें सम्मानजनक सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बिल्कुल उसमें आज भी चाबी है, बट आप वेट कर रहे हैं आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी की साथ, दुष्यंत की सरकार साथ में बनाएंगे, मतलब चाबी की जरूरत नहीं है, नंबर लॉक से सरकार जो है वो आपका तालक नहीं हो सकती। दुष्यंत जी, साथ में सरकार बनाएंगे मतलब कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं जननायक जनता पार्टी के विषय पर टिप्पणी कर सकता हूँ। वो उनके विधायक दल का निर्णय होगा कि ना कि मेरा निर्णय होगा। सर आप बात सपोर्ट करेंगे या शामिल होने की बात? अगर रहेंगे तो हिस्सेदारी में रहेंगे, नहीं तो फिर बच्चों हमारे लिए दोनों अछूते नहीं। सर एक सवाल, अगर आप समर्थन देते हैं तो सरकार में साझेदारी लेकर देंगे या साझेदारी? सर